हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर के जो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का पेपर होता है उसके हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन 2016 से लेके 17, 18, 19 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं बीएससी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम में। मेरे पास एक कमेंट आया था कि तो मेरे पास जो कमेंट आया था वो पूजा कुशवाहा का कमेंट आया था, जिसमें लिखा था कि 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है बीएससी फाइनल ईयर का, उसका सोल्यूशन चाहिए। तो मेरे पास अभी बीएससी फाइनल ईयर का जो थर्ड ईयर का जो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर नहीं है। जब भी मेरे पास हो जाएगा तो मैं उसका सोल्यूशन यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में मैं 2020 का नहीं बल्कि जो 2021 में आने वाले हैं, यानी जो 2016, 17, 18, 19 जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, या इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन लिया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगी। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहें और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट जल्दी से। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसके पहले मैंने 2019 का जो पेपर हुआ था फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव पेपर में, उसके मैंने दो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास जो 2020 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है अगर वो हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पर, मैं उसका सोल्यूशन भी यूट्यूब पर डाल दूंगा। तो ये वीडियो करते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो देख लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, किसी फेज कोष्ठिका में कणों की संख्या अधिक से अधिक हो सकती है, यह कहलाता है, तो यह हमारा फर्मी डिराक कहलाता है। क्योंकि फर्मी डिराक के केस में जो हमारा जो चक्रण होता है वो अर्धविषम पूर्णांक होता है। अर्धविषम पूर्णांक मतलब जैसे हम ले सकते हैं हाफ ले सकते हैं, यानी 1/2 होता है चक्रण ले सकते हैं, या तो हम इसको ले सकते हैं 3/2, 5/2, ऐसे सारे जितने भी अर्धविषम पूर्णांक चक्रण हैं ये सारे हमारे फर्मी डिराक के केस में आते हैं। और जो बोस आइंस्टीन के केस में जो हमारे चक्रण होते हैं वो शून्य हम ले सकते हैं या पूर्णांक ले सकते हैं, 1, 2, 3 ऐसे ले सकते हैं बोस आइंस्टीन के केस में। तो इस क्वेश्चन में जो संख्या अधिक से अधिक हो सकती है, तो अधिक से अधिक हमारा हो सकता है फर्मी डिराक के केस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निकाय पर लगने वाले प्रतिबंध या अवरोध को जो होता है वो सूक्ष्म अवस्था की संख्या को घटाते हैं, बढ़ाते नहीं हैं, घटाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड का ऑप्शन ए, यानी अगर हमारा प्रतिबंध या अवरोध लगाएंगे तो उसमें हम सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या हमारी घटती है। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं अगर आपके सिलेबस में ये सारे चैप्टर हैं। मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि यानी जो बीएससी का जो स्टेट यूनिवर्सिटी है जितनी भी सारी उसका जो सिलेबस है फिजिक्स में क्या क्या है, फर्स्ट ईयर में क्या रहेगा, सेकेंड ईयर में क्या है, थर्ड ईयर में क्या है, उसका वीडियो भी मैं जल्दी से ही यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। आप वो वीडियो भी देख लो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मी डिराक सांख्यिकी को आधार पर एनआई कणों को जीआई कोशों में वितरित करने के अलग अलग तरीके होंगे। तो फर्मी डिराक के केस में जो होता है फार्मूला इसका जी आई का फैक्टोरियन अपॉन एन आई का फैक्टोरियन इंटू में जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियन, ये होता है फर्मी डिराक के केस में। और जो बोस आइंस्टीन के केस में होता है, वो होता है एन आई प्लस जी आई माइनस वन का फैक्टोरियन, इस पूरे का फैक्टोरियन अपॉन एन आई का फैक्टोरियन इंटू जी आई माइनस वन का फैक्टोरियन, ये होता है बोस आइंस्टीन के केस में। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में जो होता है इसका फार्मूला, वो होता है जी आई की पावर एन आई अपॉन एन आई के फैक्टोरियन। ये सारे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको तीनों को लर्न कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन गैस निकाय पर कौन सी सांख्यिकी प्रयोग की जा सकती है। तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन गैस निकाय पर
कौन सी सांख्यिकी प्रयोग की जाती है, तो वो हमारी फर्मी डिराक सांख्यिकी है। तो इस क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धातु में टी इक्वल टू 0 केल्विन ताप पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम ऊर्जा कहलाती है उसकी फर्मी ऊर्जा कहलाती है। फर्मी ऊर्जा जो होते हैं उच्चतर भरे स्तर की ऊर्जा होती है। जो फर्मी ऊर्जा होती है उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ऊर्जा स्तर भरे होते हैं, तो हमारी फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाती है। तो टी इक्वल 0 केल्विन ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम ऊर्जा होगी वो हमारी फर्मी ऊर्जा होगी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस की फर्मी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन घनत्व रो इक्वल टू यन अपान वी पर निर्भर करती है। जो इसका फार्मूला होगा वो निर्भर करती है या प्रोपोर्शनल होती है रो की पावर 2/3 पर। तो इस क्वेश्चन का जो होगा आंसर वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो इम्पोर्टेंट है ही ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सांख्यिकी के अनुसार परम शून्य ताप पर ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती। परम शून्य ताप पर ऊर्जा नहीं शून्य हो सकती वो है फर्मी डिराक सांख्यिकी का, यानी फर्मी डिराक सांख्यिकी का जो भी परम शून्य ताप पर ऊर्जा इसकी शून्य कभी नहीं हो सकती है। तो परम शून्य ताप पर जो फर्मी ऊर्जा के जो ऊपर के सभी ऊर्जा स्तर होते हैं, जो परम शून्य ताप पर फर्मी ऊर्जा के ऊपर सभी ऊर्जा स्तर पूर्णतः खाली होते हैं तथा फर्मी ऊर्जा तक के सभी ऊर्जा स्तर पूर्णतः भरे हुए होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी फर्मी डिराक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फर्मियान नहीं है, यानी जो फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन नहीं करता है वो फर्मियान नहीं है। जो फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन करता है उसे फर्मियांस कहते हैं, जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करता है उसे बोसान कहते हैं। तो जो अल्फा कण है वो बोसान होता है, अल्फा कण बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को फॉलो करता है, और जो फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन हैं, और जो अल्फा कण है वो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करते हैं। तो इसका जो आंसर है यानी फर्मियान नहीं है। तो फर्मियान हमारे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, पॉजिट्रॉन हो सकता है, और अल्फा कण जो है ये बोसान है या बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर फर्मियांस नहीं है। तो अल्फा कण जो है अल्फा कण फर्मियांस नहीं होते हैं। अल्फा कण को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो अल्फा कण होता है उसको हम 2 हीलियम 4 भी लिखते हैं अल्फा कण को। तो यहाँ पे प्रोटॉन निकालेंगे तो 2 है, परमाणु क्रमांक 2 है, तो प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन 4 - 2 2, यानी प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है। तो इसका जो चक्रण है, चक्रण इसका पूर्णांक आया है, 2 आया है चक्रण, पूर्णांक है। तो जो बोस आइंस्टीन होते हैं वो शून्य होता है चक्रण या उनका पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ जो अल्फा कण है इसका चक्रण 2 है जो कि पूर्णांक है, पूर्णांक है, यानी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को फॉलो करता है या बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करता है, इसलिए यह बोसान है। तो इसका आंसर ए करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा अल्फा कण हो जाएगा, फर्मियांस नहीं है तो अल्फा कण हो जाएगा। और एक बात और जो हमेशा याद रखना चाहिए कि जो बोस आइंस्टीन होता है, बोस आइंस्टीन के केस में, बोस आइंस्टीन के केस में जो चक्रण होता है वो शून्य हो सकता है और पूर्णांक होंगे, यानी 1 2 3 पूर्णांक हो सकते हैं बोस आइंस्टीन के केस में। और एक बात और याद रखना चाहिए कि फर्मी डिराक के केस में, यानी जो फर्मियांस होते हैं, फर्मियांस का जो चक्रण होता है वो अर्धविषम पूर्णांक होता है। अर्धविषम पूर्णांक मतलब जैसे एग्जाम्पल जैसे 1/2 3/2 5/2 7/2 ऐसे करके जो भी है अर्धविषम पूर्णांक वो सारे हमारे फर्मियांस होते हैं या फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा अल्फा कण हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाउली या पाउली के अपवर्जन नियम का पालन इनमें से कौन करता है। तो बोसान जो होते हैं, बोस आइंस्टीन, ये पालन नहीं करते हैं, और जो फर्मियान होते हैं या जो फर्मी डिराक सांख्यिकी होते हैं ये पालन करते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन जो आंसर हो जाएगा फर्मियांस हो जाएगा। जो फर्मियांस होते हैं या जो फर्मी डिराक सांख्यिकी होती है वो पाउली के अपवर्जन के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन में था पाउली के अपवर्जन नियम का पालन इनमें से कौन करता है। तो पाउली के अपवर्जन नियम का पालन जो है फर्मियांस करते हैं, फर्मी डिराक सांख्यिकी करती है, और बोसान या बोस आइंस्टीन सांख्यिकी नहीं करती है। तो इसका क्वेश्चन ए नहीं होगा, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में वितरण नीतांक या एन आई अपान जी आई का मान होगा। बोस आइंस्टीन के केस में जो होता है वो 1 से कम नहीं होगा, ना ही तो 1 होगा ना तो 0 होगा। तो ऑप्शन इसका बी यानी 1 से अधिक होगा।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। बोस आइंस्टीन के केस में एन आई अपान जी आई की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है 1 से। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोटॉन का चक्रण या स्पिन है, चक्रण को स्पिन कहते हैं, तो फोटॉन का जो चक्रण होता है, फोटॉन का जो चक्रण होता है वो एक होता है और ये बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करता है, या जो बोस आइंस्टीन है या जो बोसान होते हैं वो फोटॉन बोसान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 1 होता है, इसका जो चक्रण 1 होता है, तो यहाँ पे 3/2 चक्रण है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे 1/2 चक्रण है, तो यहाँ यानी एच कट, तो यहाँ पे 1 चक्रण है इसका। तो जो फोटॉन का चक्रण होता है वो 1 होता है और ये बोस आइंस्टीन को पालन करता है, इसलिए जो फोटॉन है वो बोसान होते हैं। तो अगर बोसान पूछे तो फोटॉन एक बोसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ई एफ तांबे की फर्मी ऊर्जा है तो 0 केल्विन ताप पर एक इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा होगी। तो 0 केल्विन ताप पर जो औसत ऊर्जा का फार्मूला होता है, औसत ऊर्जा को हम ई नाट बार से प्रदर्शित करते हैं, तो जो औसत ऊर्जा होती है वो 3/5 × फर्मी एनर्जी होती है। 3/5 × फर्मी एनर्जी को हम ई एफ से नोट करते हैं। तो 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन की जो औसत ऊर्जा होती है वो 3/5 × ई एफ होती है। तो देख लेते हैं आंसर में, तो फर्स्ट आंसर में 1/5 तो नहीं होगा, 2/5 भी नहीं होगा, 5/3 भी नहीं होगा, तो 3/5 ऑप्शन डी इसका है। तो यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई ई जीरो एवरेज यानी औसत ऊर्जा जो होती है वो 3/5 ई एफ के इक्वल होती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मी डिरैक सांख्यिकी के बारे में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी जो फर्मी डिरैक के केस में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो जो फर्मी डिरैक के केस में होता है, जी आई ग्रेटर देन होती है एन आई से, फर्मी डिरैक के केस में। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है एन आई ग्रेटर देन जी आई से, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकेंड ऑप्शन यानी जी आई ग्रेटर देन एन आई से, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जी आई जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू एन आई नहीं होता है, जी आई हमेशा ग्रेटर देन होता है एन आई से, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी 0 भी नहीं हो सकता है। तो जो फर्मी डिरैक के केस में यानी फर्मी डिरैक सांख्यिकी के बारे में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मी डिरैक सांख्यिकी लागू होती है, फर्मी डिरैक कहाँ लागू होता है, फर्मियांस पर लागू होता है, और बोस आइंस्टीन जो है बोसान पर लागू होता है। तो इस ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। जो फर्मी डिरैक सांख्यिकी होती है वो लागू होती है हमेशा फर्मियांस पर, जो फर्मी डिरैक सांख्यिकी को पालन करते हैं उसे फर्मियांस ही कहते हैं। इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो डी होगा, बोसान फोटान फोनान ये नहीं होगा, तीनों इनकरेक्ट आंसर है। जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्मियांस पर, यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो फर्स्ट ऑप्शन डेल्ट अपॉन डेल्ट ई लॉग ओम इक्वल टू बीटा, ये गलत आंसर है, ये नहीं हो सकता। तो जो बीटा की वैल्यू होती है वो 1/kT होती है, तो इसका जो बी आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस 4 ऑप्शन में से सिर्फ ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, यानी बीटा की जो वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है K×T के। तो बीटा इक्वल टू 1/T, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिर सम्मत यांत्रिकी इन कणों पर लागू होती है जो कि एक समान तथा जिनमें विभेद नहीं किया जा सके। सेकेंड ऑप्शन है एक समान परंतु विभेदित होने वाले तथा चक्रण युक्त हों। सी ऑप्शन एक समान परंतु विभेदित होने वाले जिनमें चक्रण नहीं हो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो चिर सम्मत यांत्रिकी होती है वो हमेशा लागू होती है एक समान परंतु विभेदित होने वाले जिनमें चक्रण नहीं हो, यानी चक्रण शून्य हो। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी गैस के लिए औसत आणविक स्थानांतरीय गतित ऊर्जा होती है 3/2 नहीं, किसी गैस के लिए जो औसत आणविक स्थानांतरीय गतित ऊर्जा होती है वो 1/2 kT होती है।
इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी है वो इन निकायों पर लागू होती है जिनमें कणों का घनत्व कम हो, कणों का घनत्व अधिक या उच्च हो, सी ऑप्शन है ताप कम हो, डी ऑप्शन है परम शून्य ताप पर हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कणों का घनत्व कम हो हमेशा। तो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है या जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी है वो हमेशा लागू होती है जिनका जिन कणों का घनत्व कम होगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी गैस के अणु की चाल V तथा V प्लस डी वी के बीच होने की जो प्रायिकता होती है, जो प्रायिकता का फार्मूला होता है, इन चार फार्मूले में से एक फार्मूला करेक्ट है तो वो कौन सा फार्मूला होगा। तो जो फार्मूला होता है 4π कोष्टक में m अपॉन 2π kT के होल पावर 3/2। तो ये ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3/2 होता है पावर, और फिर होता है विलास्टी स्क्वायर यानी वी स्क्वायर, तो यहाँ भी वी स्क्वायर नहीं है इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी भी में वी स्क्वायर नहीं है तो डी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो होता है 4π m/2π kT^3/2 वी स्क्वायर ई की पावर -m v² / 2 kT (dV। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 2021 में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना या दूसरी बार भी वीडियो देख लेना अगर समझ में नहीं आया हो, और ना समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या समझ में नहीं आया, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सत्य है, यानी 4 ऑप्शन है यहाँ आपको ए बी दिख रहा होगा, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा चारों ऑप्शन ए बी एंड सी एंड डी, चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें से इन चारों ऑप्शन में से यानी कौन सा करेक्ट है, जहाँ वी आर एम एस मतलब है रूट मीन स्क्वायर विलास्टी या वर्ग माध्य मूल्य मान, वी आर एम एस मतलब है, और वी एम पी मतलब है मोस्ट प्रोबेबल विलास्टी या माध्य चाल, और जो वी के ऊपर बार लगा है इसका मतलब एवरेज विलास्टी है या औसत चाल। तो जो इन तीनों का फार्मूला होता है, इन तीनों का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन तीनों फार्मूला हमेशा याद रहने चाहिए। जो वी एम पी है यानी मोस्ट प्रोबेबल जो विलास्टी होती है वो होती है रूट 2 kT/m, जहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और एम मास है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड विलास्टी का फार्मूला है। और जो एवरेज का फार्मूला होता है यानी एवरेज विलास्टी का जो फार्मूला होता है वो वी एवरेज इक्वल टू रूट 8 kT/πm होता है, पाई एम। और जो रूट मीन स्क्वायर विलास्टी का जो फार्मूला होता है यानी वर्ग माध्य मूल मान जो होता है विलास्टी का वी आर एम एस, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है रूट 3 kT/m, जहाँ के यहाँ पर के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एम मास है। तीनों फार्मूला हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। जो वी आर एम एस का फार्मूला था, वी आर एम एस में क्या था, रूट 3 RT/m था वी आर एम एस में। और जो मोस्ट प्रोबेबल में था, मोस्ट प्रोबेबल में क्या था, रूट 2 kT/2, यहाँ पर यानी गैस उसके लिए यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ पे हम k लिख लेंगे 2 kT/m, और यहाँ पे 2 kT/m। जो हमारा फर्स्ट है ये वी आर एम एस है, जो सेकेंड है ये वी एम पी है यानी मोस्ट प्रोबेबल है, और जो एवरेज का फार्मूला होता है, एवरेज का होता है रूट 8 kT/πm। तीनों फार्मूला मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पर देखिए तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू किस में मिलेगी, यहाँ kT/m तीनों में है, तो इसको हम नहीं लेंगे इसकी वैल्यू। अब देखेंगे यहाँ पे, यहाँ रूट 3 है, यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 8/π है, तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41 और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.37, और यहाँ पे है रूट 8/π, पाई की वैल्यू रखेंगे अगर हम 3.14, यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2 point कुछ आएगी, यानी 2 point आएगी, यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 2 है, और ये लास्ट वाले में रूट 2 point something कुछ वैल्यू आएगी ऐसे। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी क्या हुई, सबसे जो बड़ी होगी वो यानी फर्स्ट वाला जो होगा, फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट जो हमारा था वी आर एम एस था, तो यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी वी आर एम एस की सबसे बड़ी। उसके बाद क्या होगी, उसके बाद हमारी कौन सा फार्मूला इसमें है, यानी उसके बोले ये रूट 8/π वाला है, यानी 3 point कुछ समथिंग आएगा, तो यानी इसकी वैल्यू ये हमारी क्या था, ये एवरेज था,
यानी एवरेज यहाँ पे बीच में हो जाएगा एवरेज। और इसके बाद किसकी वैल्यू आएगी, इसके बाद आएगी हमारी लास्ट वाला वी एम पी यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो वी एम पी यानी आपको ये तीनों फार्मूला ही याद रखना है, क्योंकि कभी पूछ लिया जाता है वी आर एम एस की वैल्यू कितनी होगी, वी एम पी की वैल्यू कितनी होगी, या वी एवरेज की वैल्यू कितनी होगी। तो ये तीनों ही फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों फार्मूलों को लर्न कर लेना, अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं लिख लेना, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो मैं एक बार फिर से लिख दूँ, जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यानी वी आर एम एस सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी, फिर बीच में हमारा क्या होगा एवरेज। आप हमेशा याद रखें एवरेज, एवरेज मतलब बीच का या औसत, तो हमारा एवरेज हमेशा बीच में ही रहेगा। फिर लास्ट में है वी एम पी यानी मोस्ट प्रोबेबल वी एम पी, जिसका यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। भाई हमको 5 वाला भी मैं चाहिए। आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर किसी के पास 2020 का क्वेश्चन पेपर हो तो मुझे सेंड कर सकता है, मैं फिर उसका सोल्यूशन जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो देख लेते हैं हम इस यानी इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, एक बार फिर से उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ हमने जो डिस्कस किया है वी आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इस क्वेश्चन का जो था ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। और जो इसके ऊपर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन है यानी 4π(m/2π)KT^3/2V² ×(e^-m)V² / 2KT/dV आंसर इसका करेक्ट आंसर था। और जो इसका ऊपर वाला क्वेश्चन था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी निकाय पर लागू होती है जिनमें कणों का घनत्व कम हो, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था, इसके ऊपर क्वेश्चन में यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। और इसमें यानी बीटा की वैल्यू 1/KT होती है और जो फर्मी डिराक सांख्यिकी लागू होती है वो फर्मियांस पर था इसका आंसर। और इसके ऊपर जो फर्मी डिराक सांख्यिकी के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य था, तो जी आई की वैल्यू ग्रेटर देन होती है एन आई से, और ये भी इम्पोर्टेंट है यानी 0 केल्विन ताप पर जो औसत ऊर्जा और फर्मी ऊर्जा ऊर्जा में जो रिलेशन है, आप इसे भी हमेशा याद रखिए, हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फोटॉन चक्रण 1 होता है वो आइंस्टीन सांख्यिकी में वितरण नियतांक एन आई / जी आई के मान 1 से अधिक होता है, और पाउली के अपवर्जन नियम का पालन जो है फर्मी डिराक सांख्यिकी करता है यानी फर्मियांस करता है, बोसान पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करता है, बोसाइनस्टीन पालन नहीं करता है और फर्मी डिराक पालन करता है। इसके ऊपर क्वेश्चन में था इनमें से कौन सा फर्मियांस नहीं है, तो यानी अल्फा कण जो होता है वो बोसान होता है, अभी मैंने इस क्वेश्चन का डिस्कस कर चुका हूँ। इसके ऊपर किस सांख्यिकी के अनुसार परम शून्यता पर ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती, फर्मी डिराक था। और जो डेंसिटी होती है डेंसिटी की पावर टू अपॉन थ्री पर ये रिलेशन है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। किसी धातु में T=0 केल्विन ताप पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम ऊर्जा है वो फर्मी ऊर्जा होती है, और धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन गैस है निकाय पर कौन सी सांख्यिकी प्रयोग की जा सकती है, सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, आप ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए एक बार। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इस फर्स्ट क्वेश्चन में यानी फर्मी किसी फेज कोष्ठिका में कणों की संख्या अधिक से अधिक हो सकती है, तो फर्मी ड्रैग था यानी फर्मी ड्रैग में अधिक से अधिक हो सकती है। सेकेंड क्वेश्चन था किसी निकाय पर लगने वाले प्रतिबंध अवरोध यानी उसकी संख्या को घटाते हैं, और ये क्वेश्चन में फर्मी ड्रैग सांख्यिकी के आधार पर एन आई कणों को जी आई कोषों में वितरित करने के अलग अलग जो तरीके हैं वो जी आई के फैक्टोरियल अपॉन एन आई के फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस एन आई के फैक्टोरियल, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जैसे ही मुझको 2020 का क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका भी मैं सोल्यूशन यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। और आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी वीडियो जल्दी से ही अपलोड कर दूंगा। तो कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा बना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।